आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। खेत से चोरी किए गए ड्रिप पाइप बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार, एक हुआ फरार। खेतिया, खेतों से लगातार हो रही चोरियां, कहीं खेतों में पड़ी फसल तो कहीं कृषि उपयोग में आने वाले साधन चोरी किए जा रहे हैं। कुछ दिनों से लगातार किसानों की ओर से बातें आ रही हैं। फरियादी किसान प्रकाश सोनी, इसकी शिकायत पर पुलिस ने धारा 379 में अपराध पंजीबद्ध कर वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी, जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक श्री दीपक जी शुक्ला, SDOP राजपुर श्री रोहित अलावा के निर्देशन में नगर निरीक्षक थाना प्रभारी श्री एस बघेल द्वारा गठित की गई टीम ने आज दोपहर मलफा रोड स्थित किसान के खेत से चोरी कर ले जा रहे 5 बंडल ड्रिप के पाइप, जिसकी कीमत लगभग 5,000 से अधिक, आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं एक अन्य आरोपी फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया। खेतों से हो रही चोरी को लेकर थाना प्रभारी द्वारा गठित की गई टीम में सहायक उप निरीक्षक कैलाश चौहान, सहायक उप निरीक्षक अनिल पाठक, आरक्षक हेमंत मंडलोई, आरक्षक मुकेश पटेल की सक्रिय भूमिका रही। खेतिया से राजेश नाहर की रिपोर्ट। तो सही, कुछ कृषि सामग्री की चोरी की सूचनाएं हैं, जिसके बाद आरोपियों को पकड़ा जाने की खबर है। हाँ, आज जो है अपराध क्रमांक 256/22 का 379 का कायम किया गया था। इसमें पाइप चोरी का है, ड्रिप चोरी करते किसानों ने रिपोर्ट किया था, जिस आधार पे जो है अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, जिसमें एक आरोपी को परशुराम कोहली को गिरफ्तार किया है। उसको PR हेतु न्यायालय पेश किया जा रहा है।